ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सो अमंग दीज टू इक्वेशंस किस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो रहा है एस एन टू पॉजिटिव से फोर पॉजिटिव जा रहा है और टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकल रहे हैं सो एनोड पर क्या होगा एनोड पर ये वाली इक्वेशन आ जाएगी एंड कैथोड पर क्या होता है आपको पता है कि पे रिडक्शन होती है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन सो एम एन ओ फोर नेगेटिव वाली जो इक्वेशन होगी जिसमें कि फाइव इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वो केथोड पे रिडक्शन रिएक्शन आएगी सो ये हाफ जो रिएक्शन थी वो हमारी आ गई एनोड एंड कैथोड पे, नाउ फुल जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसे निकालने के लिए क्या होता है कि हमें जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वल करने पड़ते हैं सो इन्हें इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को हम ऐसा कर लेते हैं कि इसे फाइव से मल्टीप्लाई कर लेके ठीक है और इस इक्वेशन को हम टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना फाइव से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फाइव फाइव आ जाएगा एंड फाइव टू सर यहाँ पे टेन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा ठीक है ये बन गए टेन इलेक्ट्रॉन्स नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब आप फाइव से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि पॉइंट वन फाइव वोल्ट है उसमें इस फाइव का कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा इसका असर नहीं पड़ेगा बिकॉज जो ईएमएफ होता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं दैट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है किसी भी चेंज के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ मोल्स के जो इंडिपेंडेंट होती है सो ई नॉट जो होगा वो एज इट इज़ आएगा नाउ हमने से भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे टू फाइव से टेन आ गया और पूरी इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई होगी एंड जो ई इसकी रहेगी वो एज इट इज़ रहेगी न जो नेट रिएक्शन होगी तो नेट रिएक्शन क्या आएगी हमारी ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है उसको कंबाइन कर लो तो क्या हो जाएगा टेन और टेन ये जो टेन था और ये टेन था ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी नेट जो इक्वेशन होगी रेडॉक्स इक्वेशन वो बनेगी इतनी प्लस न एच पॉजिटिव और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस फाइव एस एन टू पॉजिटिव गिव्स टू टू एम एन टू एस एन सॉरी एस एन फोर पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे फोर पॉजिटिव है प्लस अब ये क्या आ गया टू एम एन टू पॉजिटिव प्लस एट एच टू ओ ये होगी हमारी पूरी रेडॉक्स रिएक्शन नाउ ई एम एफ निकालने को कहा है ई नॉट सेल में ई नॉट सेल क्या होता है इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड तो हम क्या कर लेंगे कि ई e नॉट जो कैथोड का है वो है तो क्या करोगे आप वन पॉइंट फाइव वन माइनस ई नॉट एनोड क्या है ई नॉट एनोड है पॉइंट वन फाइव तो ये पॉइंट वन फाइव वोल्ट तो ये किसके इक्वल आ, आ जाएगा इक्वल्स टू वन पॉइंट वो इक्वल्स टू वन पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट के इक्वल आ जाएगा सो so, ये क्वेश्चन इस तरह से करना है नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड सेकेंड क्वेश्चन क्या है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 पॉइंट फाइव मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी वन थर्टी एट पॉइंट नाइन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन सो मोलर कंडक्टिविटी और जो कंडक्टिविटी है उसका फार्मूला क्या होता है उसका फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू के दैट मीन्स कंडक्टिविटी इन टू थाउजेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंटेशन मीन्स मोलारिटी नाव जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको क्या गिवन है कॉन्सेंट्रेशन इज वन पॉइंट फाइव मोलर ठीक है और नाउ इलेक्ट्रोलाइट इज फॉर्म टू बी दिस और मोलर कंडक्टिविटी कितनी है मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन है वन थर्टी एट पॉइंट नाइन ठीक है सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड सो so, हमें कंडक्टिविटी मतलब के निकालना है हमें क्या निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन सो इसको रीअरेंज कर दो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय थाउजेंड सो नाव जब वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन थर्टी एट पॉइंट नाइन इंटू वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थाउजेंड जो कि कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कितनी आ जाएगी पॉइंट टू जीरो हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सो ये कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन आ गई बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट था ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन पॉइंट वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ जेड एन एसओ फोर द सॉल्ट इज नाइंटी फाइव परसेंट डिसोसिएटेड एट दिस टूशन एट टू नाइन एट कैलविन कैलकुलेट इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल आपको निकालना है और जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का वो भी आपको गिवन है सो रॉड डिप करी है और उसकी डिसोसिएशन सिर्फ इतनी है ठीक है तो हम इसमें क्या चीज़ लगाएंगे सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि जो कैथोड पे ऐड जो कैथोड पे हमने बात करी है नहीं सॉरी जो जिंक की है जेड टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स टू जेड एंड जो रिएक्शन है हमारी वो लिख लेते हैं सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है गिवन है माइनस पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट गिवन है ठीक है सो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम यूज करते हैं नॉन्स इक्वेशन का नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होती है ई नॉट सेल ई नॉट ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्ट्रेशन ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखो एन क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व वो कितने हैं टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और जो ई नॉट है वो भी आपको गिवन है और जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट क्या होगा इस इसमें लेते हैं जो आयंस होते हैं आयन्स प्रोडक्ट में क्या है कुछ नहीं है तो वन आ जाएगा तो ई e सेल कितना आ गया ई सेल इक्वल्स टू माइनस पॉइंट सेवन सिक्स माइनस पॉइंट सेवन सिक्स माइनस पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन वन डिवाइडेड बाई कितना आ गया नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हैं टू है तो इस इसमें डिवाइडेड बाई टू कर लो लॉग अब देखो प्रोडक्ट में आयंस कितने हैं प्रोडक्ट में आयंस कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट में वन लिख लेंगे रिएक्टेंट में कितने हैं आयंस रिएक्टेंट में जेड एंड टू पॉजिटिव वाला आयन प्रेजेंट है न इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप निकालने की कोशिश करते हैं जेड एंड टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे क्या गिवन था कि जो जेड एन एसो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और वो डिसोसिएट मतलब कितना टूट रहा है सिर्फ नाइन्टी फाइव परसेंट टूट रहा है तो जेड एन में ही जेड एन टू पॉजिटिव आयंस है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी कि जितनी होल कॉन्सेंट्रेशन थी पॉइंट वन मोलर इनटू कितना डिसोसिएट हो रहा है नाइन्टी फाइव परसेंट डिसोसिएट हो रहा है तो परसेंट का डिवाइड में हंड्रेड लगा दो ठीक है तो वो कितना आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी पॉइंट जीरो नाइन फाइव मोलर कॉन्सेंट्रेशन गई इसकी ना ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो ई सेल इक्वल्स टू माइनस पॉइंट सेवन सिक्स माइनस ऑफ पॉइंट जीरो टू नाइन फाइव ठीक है इसको कट करके आ गया लॉग वन डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है मोलर, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करके इसकी इसका आंसर आएगा। सॉल्व करके देख लेना इसका आंसर आएगा माइनस पॉइंट सेवन नाइन ऑफ वोल्ट ठीक है तो मेन चीज इसमें यही थी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जेड टू पॉजिटिव आयन कैसे निकालना है और इक्वेशन इस केस में लगेगी सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन नॉट फॉर डेनियल सेल इज प्लस वन पॉइंट वन वोल्ट कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन दिस ये रेडॉक्स रिएक्शन आपको दी हुई है और वी नो दैट वन फैरडे कितना होता है नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कुलम पर मोल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है आपको और डेल्टा जी नॉट निकालना है सो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन ई नॉट क्योंकि स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड आएगा इन टू एफ ये वाला फॉर्मूला होता है वेयर फेराडे कांस्टेंट जो आपको गिवन है जी आपकी गिव्स फ्री एनर्जी होगी एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और ई नॉट आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है जो गिवन है ना नॉट कितना गिवन है आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल डेनियल सेल का प्लस वन पॉइंट वन वोल्ट गिवन है ठीक है और उसके बाद ई नॉट गिवन है आपके पास एफ इक्वल्स टू नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो पर मोल गिवन है ठीक है ना इसमें पुट कर लेगी वैल्यू पर हमें एन भी चाहिए एन की वैल्यू कितनी होगी एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व अब यहाँ देखो जिंक से आप जिंक टू पॉजिटिव गए ठीक है कॉपर टू पॉजिटिव से आप कॉपर गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है अगर चाहो तो ऐसे देख सकते हो एक हाफ सेल इक्वेशन को देख के जेडन से जेडन टू पॉजिटिव गए ठीक है प्लस टू इलेक्ट्रॉन और कॉपर का कितना है कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन से कॉपर तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है टू सो so, इसे पुट करोगे वैल्यू तो डेल्टा जी नॉट कितना आएगा माइनस ऑफ टू और इंटू वन पॉइंट वन वोल्ट ठीक है इंटू नाइन सिक्स फाइव जीरो ज़ीरो नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो क्या है कुलम पर मोल तो इसे वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी आपकी माइनस टू वन टू थ्री ज़ीरो ज़ीरो कुलम वोल्ट पर मोल कि ये वैल्यू आपकी आ गई नाउ ये जो कुलम वोल्ट है वो क्या होता है वो एनर्जी के यूनिट होते हैं और इसकी वैल्यू के इक्वल होती है तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू तो कितना माइनस टू वन टू थ्री जीरो जीरो वोल्ट क्या है जाउल के इक्वल है तो मोल पर पर मोल जाउल पर मोल आपकी ये वैल्यू आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मास कॉपर का इतना दिया है वन फैराडे इतना होता है ठीक है नो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन गिवन है आपके पास तो कॉपर सल्फेट टूट के क्या बनाएगा कॉपर टू पॉजिटिव एंड सल्फेट SO4 फोर टू नेगेटिव में बनाएगा आपका ठीक है न जो कॉपर है एट कैथोड की बात करिए एट कैथोड एट कैथोड आपको पता है क्या होती है एट कैथोड रिडक्शन हैपेंस ठीक है रिडक्शन हैपेंस रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन किसकी हो जाएगी कॉपर की रिडक्शन रिएक्शन देख लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप इसको रिएक्शन को दिखाओगे ठीक है ये रिएक्शन होगी आपकी नाउ फाइंड क्या करना है कि टाइम कितना लग रहा है अगर 1.27 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होता है और करंट साथ में हम 2 एम दे रहे हैं तो एक फॉर्मूला आता है कि एनी अमाउंट जो डिपॉजिट होगा कैथोड uh, पे उसका फॉर्मूला क्या है डब्ल्यू दैट इज अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है इक्वल्स टू उसका मोलर मास या फिर अटोमिक मास ठीक है जो भी डिपॉजिट हो रहा है इनटू आई करंट इन टू टी टाइम ठीक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है इंटू फेरा डिकॉजिट जो कि नाइन है ठीक है अब गिवन क्या है आपको कि 1.27 1.27 ग्राम है वो डिपॉजिट हो रहा है मोलर मास कितना है 63.5 थ्री आई जो करंट है वो कितना है 2 एम्पेयर वो 2 एम्पेयर है इन टाइम जो कि आपको निकालना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अब कितने इन्वॉल्व है यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे एन इक्वल्स टू टू तो हमने कितना करा टू डिवाइड कर दिया इन टू नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो जीरो जो फेराडे कॉन्स्टेंट था तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको रीअरेंज करेंगे टू से टू कैंसिल हो जाएगी रीअरेंज करेंगे और टाइम जो आपका आएगा वो वन नाइन थ्री ज़ीरो सेकेंड्स आएगा सो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया थैंक यू सो मच डू लाइक एंड सब्सक्राइब